सुनिया पूरा यार। इस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की, वो निंदनीय है। और हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा को साथ में लेकर चलती है। आज टावर चौक पर शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और युवा कांग्रेस, एनएसयू, सेवादल, महिला कांग्रेस के सभी साथियों के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर गांधी भजन गाकर और हनुमान जी को याद करके ये बोलना चाहते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से, कि भगवान बाबा महाकाल, बजरंग बली जी उन्हें सद्बुद्धि दें और इस प्रकार की जो हरकत उन्होंने करी है आइंदा कहीं पर ऐसी हरकत ना हो। इसके लिए आज हमने यहाँ पर सद्बुद्धि ज्ञान का पाठ रखा और गांधीवादी विचारधारा से हम उनका विरोध कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो लोग गए जबलपुर के कार्यालय में, उसे तोड़फोड़ की, निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस प्रकार मैं तो नहीं सोचता हूँ कि कोई राष्ट्रीय पार्टी जो होती है इस तरीके की कोई हरकतें वो करती है। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इंदौर में भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है, लगातार सभी शहरों में धीरे धीरे इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, क्या ये भ्रष्टाचार सही है कि हनुमान जी का पाठ जूते पहनकर आप लोग के द्वारा किया गया? जूते उतार दिए थे, जूते उतारने के बाद ही हनुमान जी का पाठ किया है। जैसे हनुमान जी का पाठ हुआ, सब लोगों ने अपने जूते उतारे, उसके बाद हनुमान जी का पाठ किया। कैमरे में कैद हुए हैं कई जूते उस टाइम, आपका वीडियो पहले चल रहा होगा। हम लोगों ने हनुमान पाठ किया उस टाइम, जूते चप्पल ये सभी जनसाधारण से सस्ता। आज हम भी भगवान के भक्त हैं, बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं, तो सभी लोगों को मालूम है कि जूते चप्पल उतार के ही पाठ करना चाहिए। सभी ने अपने जूते चप्पल उतारे थे, उसके बाद ही पाठ किया। ठीक, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की विचारधारा सदैव से मुस्लिम लोगों की तुष्टिकरण की रही है। जो कर्नाटक में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है, तो मैं मीडिया के माध्यम से एक सवाल, पूरा देश जानता है कि बजरंग दल का कार्य क्या है। कई बार आंदोलनों में आप लोग हमारे साथ होते हो, आपने देखा होगा कि बजरंग दल का कार्य मुख्य तौर पर धर्म के लिए लड़ने का कार्य होता है, लव जिहाद के लिए बहनों को बचाने का काम होता है, मठ मंदिर अगर टूटता है तो उसको बचाने का काम होता है, गौ माता को अगर कोई काटने ले जाता है तो उसको बचाने का कार्य रहता है। तो बजरंग दल को बैन करना कांग्रेस जो चाह रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो देश के अंदर इस तरीके के धर्म को जागृत करने वाले काम बजरंग दल करती है, वो पूरे देश के अंदर वो गाय को कटवाना चाहती है कांग्रेस, लव जिहाद को बढ़ावा देना चाहती है। आज जो उज्जैन में घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस ही यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक सद्बुद्धि यज्ञ किया है। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि साफ स्वच्छ चरित्र के साथ में किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन किया जाता है। आज यहाँ पर सड़क पर बैठ के जिस तरीके से जूते पहन के राम जी की आराधना और हनुमान जी की आराधना की है, तो मैं भगवान से उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि सब सर्वप्रथम वो बाबा महाकाल की नगरी में इन कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे कि अगली बार कभी भी इस तरीके का कोई धार्मिक आयोजन हो तो अपने चरण पादुका को साइड में उतार कर और इस तरीके के कार्य को करें। आपका नाम? अंकित चौबे, बजरंग दल जिला संयोजक, उज्जैन। नहीं, भजन जो हमारा हनुमान जी की भजन करने का पाठ जो करते हैं, हनुमान चालीसा हो या भजन करने का जो भी सुंदर गान वगैरह करते हैं, और अपने जितने भी हिंदू मंदिरों में जाते हैं वो, तो जब हम प्रणाम करते हैं तो कोई भी जूते पहन के नहीं जाता है। ये परंपरा आज से नहीं है, सदियों से परंपरा चली है। लेकिन कांग्रेस के लोगों में मैं लगता हूँ वो ऐसी चीज़ें भूल चुके हैं, चाहे भगवान का या कोई कोई कार्यक्रम हो फिर भी वो जूते पहन के ही करते हैं। उनकी कैसी बुद्धि ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी चुनाव की माहौल को देखते हुए उन लोगों को इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। भगवान हमारे देव स्थान, कल से तो महाकाल में भी जूते पहन के जाने लग जाएंगे। तो यदि ये इस परंपरा को यदि वो कायम करते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी बुद्धि जो है वो खराब होगी। भगवान महाकाल उनको ऐसी बुद्धि दे कि जो भी भगवान के कोई भी दर्शन, हम तो कहीं आरती भी करते हैं, अब आपने कहीं जगह देखा होगा कि हम हमारा भूमि पूजन भी करते हैं तो भी जूते हैं। हर व्यक्ति होता है, मैं नहीं होता, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी होते हैं। इसलिए इन लोगों को भगवान महाकाल मुक्ति दे और इस प्रकार का कोई कार्य नहीं। सद्बुद्धि यज्ञ क्या होना, सद्बुद्धि है सद्बुद्धि है नहीं, सद्बुद्धि भगवान महाकाल ही देगा। धन्यवाद।